नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कुल 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पार्टी ने घाटलोडिया से प्रत्याशी बनाया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पालमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आगे भी विकास के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई रैलियां की। कांगड़ा के फतेहपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। इस दौरान उन्होंने महिला शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर भी दिया। हिमाचल में प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे शिमला में। रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि अब ये हालात हो गए हैं कि लोग कांग्रेस को वोट देने लायक पार्टी नहीं समझते। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे को भी दोहराया। जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, कल कोर्ट फैसला सुना सकती है। बता दें कि एक्ट्रेस को बीते महीने पटियाला उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर को पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें राहत देने उनकी अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में स्कूल के जाने के लिए सड़क पार कर रही छात्रा को डंपर ने रौंद दिया। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, हंगामा किया। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम पर गुस्साए लोगों ने पथराव किया। हालांकि पुलिस ने मामला शांत करवाया। यूपी के ललितपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक गाड़ी ने दो लोगों को रौंद दिया, मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यूपी के आगरा जिले में रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया। आरोपी की बिजली विभाग ने क्लर्क ने ग्राहक से कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी। जयपुर के करधनी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर आए और प्रॉपर्टी डीलर पर बीच सड़क पर हमला कर दिया, जिसकी सारी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कूड़ा उठाने वाले टेम्पो में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आग देखते ही देखते आसपास में पड़े कूड़े में भी लग गई। आग की लपटों में झुलसकर सफाई कर्मी बुरी तरीके से जल गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आनन फानन में इलाज के लिए सफाई कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटना कम होती नहीं दिख रही। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले बढ़े हैं, लेकिन पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर पंजाब में सख्त नियम बनाए गए, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीएचयू के सिंह द्वार के सभी छोटे बड़े गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठकर कुलपति चीफ प्रॉक्टर से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में दो बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग घायल। हादसा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया गया कि जम्मू से हरिद्वार जा रही एक बस पंजाब रोडवेज की बस के साथ टकराई, जिसमें 10 से 15 लोग थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस की गाड़ी और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। गाड़ी में सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी सवार थे। तीनों की हालत नाजुक है, तीनों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। हादसा नीमगांव के पास सिकंदराबाद में हुआ। गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, गंभीर रूप से घायल हो गया बच्चा। घटना को लेकर बच्चे के परिजन समेत सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया। बिहार के खगड़िया में एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही एक बुजुर्ग महिला
प्लेटफॉर्म पर गिर गई। मौके पर स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने जवान ने पलक झपकते ही महिला यात्री को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर के बाहर से स्कूटी चोरी का मामला सामने, जिसमें आदमी एक घर से बाहर से स्कूटी में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करता हुआ नजर आया। चोरी की वारदात वहां कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चोरी की वारदात आगरा के सिकंदरा थाने की है। यूपी के कासगंज से अजीबो गरीब मामला सामने आया, जहां पति से नाराज एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जैसे ही आदमी के मोबाइल टावर पर चढ़ने की खबर फैली, लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब दो घंटे तक ड्रामा चलने के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर आदमी को नीचे उतारकर उसे हिरासत में लिया। बताया गया कि मोबाइल फोन छीने जाने से नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया था। पंजाब पुलिस की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट और संवेदनशील एफआईआर में हिंदू नेताओं की हत्या और पंजाब और देश के कई शहरों में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्लान का पर्दाफाश हुआ। एफआईआर की कॉपी है, जिसमें 10 आतंकवादियों के नाम हैं जो पाकिस्तान आईएसआई की मदद करते हैं, और इन्हें आईएसआई की तरफ से देश के हिंदू नेताओं की हत्या करने का टास्क सौंपा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें आसमान को छूती आग की लपटें दिखाई थी। भीषण आग ने पूरी रिफाइनरी को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका।